हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रेम कुमार, मधुबनी बिहार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बेसिक केमिस्ट्री या वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम अपने चैनल पर 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, उसी को समझ में आएगा जो यहाँ पर क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, या बेसिक केमिस्ट्री से पिछला वीडियो देखें उसी को समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया है अल्काइल ग्रुप, दिया गया है अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया है। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र जिसको बोलते हैं, जी का पूरा फुल फॉर्म हो गया जनरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, सामान्य सूत्र हिंदी में बोलते हैं। अब इसका जो है जनरल फार्मूला हो गया यानी कि CnH2n के रूप में इसको लिखा जाता है। जनरल फार्मूला इसका हो गया क्या, CnH2n हो गया, जिससे आप मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन आप जो है क्लास 10th 9th में पढ़ते आ रहे हैं उससे हम कैसे समझेंगे, आप इसे याद नहीं करेंगे बल्कि उसे निकालेंगे कैसे इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं मिथ है यानी कि वन कार्बन के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम साइड पर लिखे थे यानी कि वन कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पाँच कार्बन के लिए पेंट, छः कार्बन के लिए हेक्स, ऐसे करके हम लिखे थे 10 कार्बन तक के लिए लिखे थे। सबसे पहला है वन कार्बन के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, मिथ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मिथ दिया गया है, इसमें EnE लगाएंगे क्या होगा, मिथेन हो जाएगा, मिथेन। अब इसका जनरल फॉर्मूला पर अगर हम तोड़ेंगे CnH2n के नंबर ऑफ कार्बन कितना है तो 1 है, मिथ कितने कार्बन के लिए उपयोग करते हैं तो मिथ ओनली फॉर वन कार्बन के लिए उपयोग करते हैं यानी कि सबसे पहले कितना है नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है। जैसे क्या दिए हैं, सी के स्थान पर 1 दिए CnH2n यानी कि एन जो हमारा है नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर दिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन दिया गया है यानी कि इथ मिथ प्रोप यानी कि ब्यूट पेंट हेक्स ये सब दिया क्या दिया गया तो नंबर ऑफ कार्बन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है, तो CuN के स्थान पर 1 दे दिए, CnH2n प्लस 2 के एन CnH2n के रूप में लिखे तो इसका क्या हो गया C1H2 हो गया। अब इसे देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है, इम्पॉसिबल है या नहीं इम्पॉसिबल है। सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है तो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितने बनाते हैं तो 4 बनाते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है सबसे पहले यहाँ पर दिया कितना है, हम सब देख सकते हैं C1 है यानी कि C1 है H2 है, हाइड्रोजन इसका 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं जो है सो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, कार्बन कितने हाइड्रोजन चाहिए 4 होने चाहिए यानी कि कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं 4 होती है, यह पॉसिबल नहीं है यानी कि जो हमारा कितना मीथेन पॉसिबल नहीं है, वन कार्बन क्या है हमारा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब बात है दो कार्बन की ओर चलते हैं तो देख सकते हो दूसरा नंबर हमारा क्या है, इथेन हो गया यानी कि इथेन होगा ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस n, CnH2n के रूप में लिखेंगे तो C का स्थान कितना है हमारा यानी कि देख सकते हैं कितना 2 है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 है, तो C का स्थान 2 दिया, H2n प्लस 2 के रूप में कितना हो गया C2H4 हो गया यानी कि C2H4 जो हो गया। इसका जो हम लिखेंगे यहाँ पर कार्बन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं यानी कि अल्काइल यानी कि इनमें जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जैसे रहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के रहेगा तो उसको क्या करेंगे इन का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे उपयोग करेंगे तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के चलते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया हमारा। अब सी कितना है, C2 है तो C2 दे दिए हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, 1 2 3 4। तो आप चाहे तो इसे क्या कर सकते, इस हाइड्रोजन यहाँ पर भी दे सकते हैं या इसे यहाँ पर भी दे सकते हैं, अगर यहाँ पर दी जाती ये नहीं रहेगा, यहाँ पर दी जाती ये नहीं रहेगा। आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 होनी चाहिए, यहाँ पर जो है 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं तीन कार्बन के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, प्रूफ के लिए उपयोग करते हैं। जब इसे हम जो जनरल फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो इसका क्या हो गया C3H6 हो गया। तो C3H6 के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं C3 यहाँ पर जो दिया गया है H6 है, तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं C3H6 के लिए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन कितना है, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, दो कार्बन के बीच यहाँ पर 2 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिया गया है, C4 है, 1 2 3 4 हो गया यानी कि C3H6 है। एच कितना है 1 2 3 4 5 6 हमारा कितना हो गया, यह सब तत्व क्या है स्टेबल है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो है 4 नंबर की बात करते हैं ब्यूटेन। अब ब्यूटेन की ओर चलते हैं, चलिए ब्यूटेन की ओर चलते हैं। अब जो है चौथा नंबर देख सकते हैं, 4 नंबर क्या हो गया सबसे पहले, चौथा नंबर क्या हो ब्यूटेन के लिए क्या हो गया यानी कि CnH2n यानी कि ब्यूटेन के लिए क्या दिया गया CnH2n के रूप में लिखे हैं, तो C नंबर ऑफ कार्बन कितना है तो 4 है,
सी के स्थान पर चार दिए, एच टू एन एन के एन का स्थान पर कितना देना है, चार देना है। सी एन एच टू एन प्लस टू के रूप में कितना है हमारा, कितना निकला है, सी फोर एच एट निकला है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सी फोर एच एट के स्थान पर सबसे पहले क्या दिया गया है, कार्बन कितना है, चार है। तो वन टू थ्री फोर कार्बन है, इसका हाइड्रोजन कितने हैं, तो आठ है। तो हाइड्रोजन आठ है, तो देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी कि देख सकते हैं सभी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो चार होती है। तो इसका मतलब क्या है, सभी तत्व क्या है, स्टेबल है, सब कार्बन क्या है हमारा, स्टेबल है। अब बात करते हैं जो पाँचवा नंबर क्या होगा, पेंटेन हो गया। पेंटेन के लिए सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला निकला है, सी फाइव एच टेन निकला है। यहाँ पर देख सकते हैं तो सी फाइव यानी कितना हाइड्रोजन, यानी कार्बन कितने हैं, तो पाँच है, एक दो तीन चार पाँच है। इसके बाद कितना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितने हैं, दस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी क्या है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी, सब में देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी चार पूर्ण है। यहाँ पर अगर आप सोचते हैं यहाँ पर खाली क्यों छोड़ दें, खाली यहाँ पर इसलिए छोड़े हैं जाके, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर हाइड्रोजन दे देंगे हम, हमारा हाइड्रोजन नौ हो जाएगा, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगा, तो दो इधर से मिल रहा है इसको, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इसका क्या हो, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, पाँच होता है। लेकिन क्या आप अभी तक कभी नाम सुने हैं से कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, पाँच होती है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी सिर्फ ऑन लिफोर कितनी होती है, चार होती है। अब बात करते हैं जो हमारा छः नंबर क्या होगा, हेक्सेन हो गया। तो हेक्सेन की बात करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला में क्या निकला है, सी सिक्स एच बारह निकला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दे दिया है, और एच कितना है, बारह है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, यानी कि देख सकते हैं हमारा कितना है, सब जगह क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, तो बराबर, यानी कि जो है सो कार्बन की, कार्बन स्टेबल है। आप यहाँ पर देखिए, अब जो है नौ नंबर क्या हो गया, नौ आप बनाइएगा, सात नंबर क्वेश्चन बनाने का खुद से कोशिश कीजिए, हम आगे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके इसके ऊपर दिख रहा है, जो यहाँ पर देखना है हेक्सेन है क्या है, पेंटेन है, आप देख सकते हैं कितना हेक्सेन है, हेप्टेन है, ठीक है। और जो है सातवां नंबर क्वेश्चन आपके इसमें क्या है, हेप्टेन है। चलिए हम सातवां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो आगे सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या है, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, हेप्टेन है। हेप्टेन के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, हेप्टेन का जो है जनरल फॉर्मूला क्या निकला है, सी सेवन एच चौदह निकला है। जो हेप्टेन के लिए क्या निकला है, जनरल फॉर्मूला सी सेवन एच जो है सो चौदह निकला है। यहाँ पर देख सकते हैं सी सेवन है कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है। इसके बाद जो है सो एच कितना है हमारा, चौदह है। तो आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, चौदह हमारा पूर्ण है, और सभी तत्व यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी सब जगह देख सकते हैं चार हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आठ नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से बनाया है, नाइन और टेन आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अब चलिए आगे कोर चलते हैं, ये हमारा क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब बात करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की, बात करते हैं इसका जो ग्रुप है उसके बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे कोर जो है, इसके बाद जो है हम यानी कि बिना पानी कोचिंग सेंटर स्थान चांदनी चौक सोनमती प्रेम कुमार मधुबनी बिहार। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।